राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 14 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर तेज प्रताप तिवारी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आए हुए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसके संबंध में जिला न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को आयोजित किया जाएगा, उसमें अधिक से अधिक मामलों को निस्तारित करके लाभान्वित हों और अपने जीवन को आनंद और सुखमय बनाएं। उन्होंने कहा कि किसी विभाग में किसी प्रकार का मामला हो जो सुलह समझौते से निस्तारित किया जा सके तो लोक अदालत में आने जरूर प्रयास करें। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या आती है तो जिला विधिक प्राधिकरण में अपना प्रार्थना पत्र दे दें, उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि शहर और ग्रामीण में लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक किया जाए, यही मुख्य उद्देश्य है और जो भी वादकारी अपने बैंक से संबंधित मामले को लोक अदालत में निस्तारण कराना चाहते हैं वे संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर अपने मामले का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकता है। इस अवसर पर जनपद न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के साथ ही साथ इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा ये जानकारी श्री वीरेंद्र कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा दी गई है। दिनांक 14/5/2022 दिन शनिवार आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। जी हाँ, सभी सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी के अध्यक्षता में दिनांक 14 मई 2022 दिन शनिवार को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आज ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय तेज प्रताप तिवारी की जी की अध्यक्षता में आज ये मोटर वाहन बैंकों के सहयोग से प्रचार प्रसार हेतु हरी झंडी दिखाकर रैली कर रवाना की गई। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जिले के ग्रामीण अंचल या शहर अंचल में लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक किया जाना मुख्य उद्देश्य है। ये रैली किन की लगती है? ये रैली जो है गोरखपुर जनपद के जो ग्रामीण है, शहरी है, सभी क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा सके। लोगों से मैं अपील करूँगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो 14 मई को आयोजित किया गया है उसमें अधिकाधिक मामलों को निस्तारित करें, लाभान्वित हों,
अपने जीवन को आनंदमय सुखमय बनाए हैं। कहीं भी किसी भी विभाग में उनका कोई भी ऐसा मामला हो जो सुलह समझौते से निस्तारित किया जा सकता है उसको जरूर प्रयास करें, और अगर इसमें कोई सहयोग चाहिए तो हमारे ऑफिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अपना प्रार्थना पत्र दे दें, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे।